सब्सक्राइब कीजिए टेक ग्रेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए खबर है जो एमपी बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पे अध्यापकों ने सीएम शिवराज से की मांग कैंसिल किए जाए एमपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं की बची हुई परीक्षाएं। तो यहां पे सीएम शिवराज ने क्या फैसला लिया ये इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से बोर्ड से हो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको रोजाना इसी तरीके की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, 3 मई तक रहेगा पूरा देश लॉकडाउन, उसके बाद 20 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे है जो फैसला लिया गया जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सरकार की तरफ से, और टीचरों ने है जो लेटर लिखा है शिवराज जी को, जिसमें उन्होंने क्या बोला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि टीचरों ने उसके अंदर बोला है, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर में लिखा है कि पीएम एमपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के जितने भी बचे हुए पेपर हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे रीज़न भी बताया, क्योंकि छात्र हैं जो दूर दूर के राज्यों से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, छोटे छोटे जिलों से भी पढ़ने आए हैं जैसे कि भोपाल इंदौर, और यहाँ पर उनको रहने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और खाने में, और कई दिन से वो अपने घर नहीं गए हैं, जिसके कारण अगर आप उनके पेपर कैंसिल कर देते हो वो अपने घर पर भी जा सकते हैं। मुझे टीचरों की ये बात बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने स्टूडेंट के बारे में इतना ज़्यादा सोचा और लेटर लिखा, और इस पे है जो मीटिंग भी होने वाली है, मीटिंग होगी 24 अप्रैल को, ये फैसला आ चुका है, 24 अप्रैल को पता चलेगा कि बच्चों के पेपर होंगे या नहीं। तो आप भी एमपी बोर्ड से कमेंट करके जो बताना, आप किसी भी बोर्ड से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी भी बोर्ड का कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलता है। अभी 25 तारीख को है जो मीटिंग होगी यहाँ पे, तो जिसके कारण मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा कि उसका मीटिंग का क्या फैसला आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।